Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله تعالى نے اسلام کو ایمان کو عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ ہے اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان, جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات اور سب سے پہلے عقیدہ, کلمہ توحید, یہ چیزیں اور عبادات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے بندے کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ. آج کل ہم مسلمان بحیثیت مسلمان, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا عقیدہ سب سے بہترین, ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں. سب سے بہترین افضل کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كثيرا. قرآن سب سے افضل کتاب. اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی, امام الانبیاء, انبیاء کے امام, خاتم النبیین. جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کی نہ دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر. تو یہ قسم جو ہے عبادات کی قسم جس کو ہم کہتے ہیں,
ये अल्लाह के और बंदे के दरमियान का मामला है, इस पर ये ज़रूरी है। अच्छा, चलो ठीक, हूँ नहीं आएगा, ठीक बैठो। ये भी तुसी मौली दे किचे देना होंगे, ठीक। देखें, हमारा जो दीन है इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया का बेहतरीन दीन है। जो भी गैर मुस्लिम उसका मुतालिया करता है, चाहे तनकीद के लिए करता है, लेकिन जब वो उसका मुतालिया करता है मुसलमान हो जाता है। क्यों? कि हमारा दीन बरहक है। एक हिस्सा तो अब आपको समझ आ गया कि बरहक है, बेहतरीन है, अफजल है। अब दूसरा हिस्सा इसका यह है, दूसरा पहलू ये है कि हम मुसलमानों का मुआमला, तआमुल क्या है, हमारा अमल कैसा है, हमारा किरदार कैसा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दीन पेश किया तो आपने क्या दो चीज़ें पेश की? आप पहाड़ी पे चढ़े, आपने ऐलान किया अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह पर ईमान लाओ, तौहीद का अकीदा अपना लो, कामयाब हो जाओगे। एक दावत का पहलू ये था और दूसरा दावत का पहलू ये था कि ए लोगो कि मैं तुम में 40 साल रहा हूँ, लकद लबिस्तु फीकुम उमरम, कि मैं तुम्हारे अंदर 40 साल रहा हूँ। हल वजद तुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मुझे ये बताओ क्या तुमने मुझे सच्चा पाया है या झूठा पाया। अपने बिगाने मुसलमान गैर मुस्लिम मुआफिक मुखालिफ सब ने कहा वजदना का सादिका, हमने आपको सच्चा और अमीन पाया। सादिक और अमीन पाया। दूसरा क्या पेश किया अल्लाह के रसूल ने? अपना किरदार। तो क्या ख्याल है? ये तो हमारा ईमान है सबका कि कलमा पढ़ना ज़रूरी है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, हज अदा करना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है। लेकिन जब हम दूसरी जानिब आते हैं मामला, तो उसमें हम समझते हैं, मेरा ख़्याल है इस वक्त मुसलमान जितना किरदार के बुरे हैं उतना और कोई नहीं। मिलावट हमने करनी है, दूध बेचना है वो मिलावट वाला, आटा है वो मिलावट वाला, मिसाले हैं वो मिलावट वाले। वो कहते हैं चाइना में एक मुसलमान गया एक फैक्ट्री वाले से, मियाँ साहब आप लोग फैक्ट्री वाले हैं ना, तो वो फैक्ट्री वाले के पास गया, उसने कहा मुझे ये माल तैयार करके दो। उसने खाना मंगवाया तो मुसलमान ताजर पूछता है इसमें कोई हराम चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ खाते हैं चाइना वाले, हराम हलाल सब रगड़ जाते हैं, कोई हराम चीज़ तो नहीं है। उसने कहा इसमें कोई हराम चीज़ नहीं है, तुम मुसलमान हो, मैंने तुम्हारे लिए हलाल खाना मंगवाया। खाने के बाद कुछ देर के बाद कहता है मुझे माल तैयार करके दो और फलां कंपनी का जो है ना उस पर उसकी मोहर लगा दो, दो नंबर काम पर। वो कहता है मैं हैरान हुआ कि खाने में तो कहता है मुझे हलाल खिलाओ और इधर फ्रॉड के लिए कहता है मुझे दो नंबरी कर दो।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक तरफ दावत पेश की, दीन की हक्कानियत को पेश किया, दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने किरदार पेश किया। आज हमारी किताबें पढ़ के तो लोग मुसलमान होते हैं, हमारे किरदार को देख के लोग मुसलमान नहीं होते। और ये मैं आपको बता दूं, अगर देखें आपके और आपके रब के दरमियान का जो मामला है, अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर सकता है। अल्लाह गफूर रहीम है, मेहरबान है अपने बंदों के साथ। लेकिन अगर अल्लाह की मखलूक के साथ आपने ज़्यादती की तो इसको अल्लाह ने माफ़ नहीं करना, इसको अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा में बैठे थे, आपने पूछा ऐ मेरे सहाबा की जमात मुझे ये बताओ, अतद्रून अमनिल मुफलिस, मुझे ये बताओ तुम में कंगाल कौन है, कंगाल? जवाब दिया अल्लाह के रसूल, मुफलिस वो है, कंगाल वो है, मल्ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास माल और दौलत नहीं। आपने फरमाया नहीं, ये मुफलिस नहीं, मुफलिस वो है जो कयामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, रोज़ा भी होगा, हज भी होगा, ज़कात भी होगा, सदका व खैरात भी होगा, लेकिन वक़द ज़लम हादा व ضرب हादा व अकल माल हादा, किसी को उसने गाली दी होगी, किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी का ना हक माल खाया होगा, तो क़यामत के दिन यार पानी मंगवा लो, क़यामत के दिन उसकी नेकियों को लेकर जिनके साथ उसने ज़्यादती की होगी, जिनके साथ उसने ज़्यादती की होगी वो नेकियां उनको दे दी जाए, और नेकियां जब ख़त्म होगी, अभी लोगों के हुकूक बाकी होंगे तो उन लोगों के गुनाह उठा के उसके सर के ऊपर लाद दिए जाएंगे, फतोरे हाफिन नार, फिर उसको जहन्नम में लोगों के गुनाहों की वजह से फेंक दिया जाए। मेरे भाइयों, इसलिए हमें किरदार का मुसलमान होना चाहिए, किरदार का। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारी माल और दौलत को नहीं देखता, कोई कितना खूबसूरत है, कितना है, कम है, ज़्यादा है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह के नज़दीक, अपने वालदैन के नज़दीक सब खूबसूरत हैं। अल्लाह देखता है तुम्हारे दिलों की तरफ और तुम्हारे करतूतों की तरफ, तुम्हारे आमाल की तरफ। आमाल अच्छे हैं तो अल्लाह को पसंद है, दिल साफ हैं अल्लाह को पसंद, दिल में हसद, बोझ, कीना, चोलखोरी भरी हुई है, वो दिल अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखता। वो आपने सुना होगा ना कि एक दिन एक सहाबी आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो इसको देख लो, तीन दफ़ा आपने फरमाया। तो साहबा ने उससे पूछा भी बताओ कौन सा ऐसा अमल करते हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने तीन मरतबा तुम्हारे बारे में ये कहा है कि जिसने जन्नती देखना हो इसको देख। उसने कहा ना मैं कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी
नमाज़ें नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ जितना अल्लाह तौफीक देता है पढ़ता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ। सिर्फ़ मैंने एक तहैया किया हुआ है, जब भी रात को सोता हूँ अपने दिल को मुसलमानों के लिए साफ़ करके सोता हूँ। आज हमारे दिलों में क्या भरा हुआ है? ना हमारे दिल साफ, ना हमारी नज़र साफ, ना हमारी ज़बान साफ, ना हमारे हाथ साफ। ज़बान से भी ज़्यादती करते हैं लोगों के साथ, हाथों से भी ज़्यादती करते हैं। तो भाइयों, कामयाबी जो है दोनों सूरतों में, दोनों हालतों में कामयाबी, अगर दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो फिर कामयाबी होगी, वरना नहीं होगी। नबी अस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, तीन दफ़ा आपने फरमाया कसम उठाकर। क्या ख्याल है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर कसम के बात करें एक दफ़ा, हमारा और आपका क्या अकीदा है? सच फरमाते हैं। तीन दफ़ा कहा, कसम उठा के कहा कि अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं हो सकता। हाँ जी यार, बड़ी गर्मी है। बस तीन दफ़ा कहा ईमानदार नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता। साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन है ऐसा बदबخت जिसके बारे में आप तीन बार फरमा रहे हैं और कसम उठा के? आपने फरमाया, मल्ला यामनु जारहु अवाइका, जिसका हमसाया उसके शर से महफूज ना रहे। आज हम छोटी छोटी चीज़ पे हमसाये के साथ लड़े होते हैं। और एक हदीस में है, नबी सलाम ने फरमाया वो ईमानदार नहीं हो सकता, वो ईमानदार नहीं हो सकता। कौन? फरमाया, मम्बाता शबाना वजारहु जायउन वहु यालम, जो शख्स खुद तो पेट भर के सो जाए और उसका हमसाया खाली पेट भूखा सोए और उसको पता भी हो कि मेरे हमसाये के पास खाने के लिए नहीं, वो ईमानदार नहीं है। ये तो है हमारा दीन। हमारा दीन ये है कि अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत के बावजूद जब उससे पूछा जाता है कि नबी के बारे में ज़रा को मालूमात दो, हिरकल जब पूछता है उससे तो मालूमात देता है। उसका एक ये सवाल है, क्या उसके बारे में लोग उसको अमीन और सच्चा कहते हैं या नहीं? मुखालिफ, बदतरीन दुश्मन, जो कई बार ये कोशिश कर चुका है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, वो भी ये कहता है कि हम सब में इस बात पे इत्तेफाक है कि सबसे दयानतदार और सच्चा शख्स ये। आज लोग किताबों को पढ़ के तो मुसलमान होते हैं, लेकिन जब हमारे आमाल को देखते हैं, जब हमारी सूरत हाल को देखते हैं, तो फिर वो इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हो गए। फिरकावारियत है, हर बंदा अपनी तरफ खींचता है और बदयानती, झूठ, मिलावट, धोखादेही, हर चीज़ हम में है, हर बीमारी हम में। तो मेरे भाइयों, सबसे जो मुश्किल चीज़ है या जिसका जवाब देना होगा कयामत के दिन, वो हुकूक अल इबाद।
वो बंदे का किरदार है। जैसा कि मशहूर कौल है, अद्दीन उल मुआमला, ठीक है दीन नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अकीदा है, एक हिस्सा उसका ये वो है और दूसरा हिस्सा दीन का ये है कि मामला, आपका मामला क्या है, ठीक है या गलत है। अगर आपका लेन देन मामला ठीक है तो आपका दीन ठीक है, अगर आपका लेन देन ठीक नहीं तो आपका दीन ठीक नहीं है। वो नबी सलाम के सामने बताया गया कि अल्लाह के रसूल, फरा खातून बड़ी सदका खैरात करती है, नमाज की पाबंदी करती है, लेकिन उसकी ज़बान के शर से महफूज नहीं है लोग। फरमाया फ़ाहिया फिन्नार, जहन्नम में। कोई सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। बंदा ख़ुद कितना इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर उसकी ज़बान से दूसरे हमसाए महफूज नहीं है तो उसके ईमान की अल्लाह के यहाँ कोई कदर कीमत नहीं। नबी इस्लाम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का दीन, उसकी रूह कलमा तौहीद है और उसके दो पर हैं। एक पर है उसका इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, एक पर। और दूसरा है मुआमलात। अगर मुआमलात में आप डंडी मारते हैं तो एक पर वाला परिंदा कभी नहीं उड़ सकता, वो दीन नामुकम्मल है। तो इसलिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आइए हम अपने आमाल का जायज़ा लें। क्या हम कौल व फेल के मुसलमान हैं? अगर हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं हैं तो अपनी इस्लाह करें और अपना कौल व फेल जो है वो मुसलमानों वाला बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कौल व फेल का, अमल का, इबादत का पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। अस्सलाम वालेकुम।